एंड्रयू कार्लसन नाम के एक व्यक्ति 2003 में न्यूयॉर्क सिटी में इनसाइडर ट्रेडिंग करने के वजह से गिरफ्तार हो जाते हैं। बट दोस्तों, स्ट्रेंज बात तो यह है कि एंड्रयू अपने आप को एक टाइम ट्रेवलर क्लेम करते हैं जो फ्यूचर से आए हैं, एंड वो साल का जिक्र करते हैं कि वो 2256 साल से आए हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस एंड फैक्ट्स। आज के वीडियो में हम एक फैसिनेटिंग टॉपिक टाइम ट्रैवल एंड टाइम ट्रैवलर्स के बारे में बात करने वाले हैं। एंड आई एम श्योर दोस्तों, टाइम ट्रैवल आपके एक मोस्ट फेवरेट टॉपिक में से एक होगा। दोस्तों, आज का वीडियो पास्ट में हुई न्यूज एंड डॉक्यूमेंटेड एक्सपीरियंस के बेसिस पर बना रहे हैं, तो चलिए पता लगाते हैं कि हमारे बीच में ही कोई टाइम ट्रैवलर है कि नहीं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, एंड्रयू कार्लसन दो हफ्ते के अंदर 350 मिलियन से भी ज़्यादा पैसे कमा लिए थे एक स्टॉक के ट्रेडिंग से, जो हमेशा लॉस में चलता था। जब ऑथोरिटीज एंड्रयू से पूछताछ करती हैं तो वो ऑथोरिटी को कोई जवाब नहीं दे पाते हैं कि कैसे उन्हें पता चला कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है एंड इतने शॉर्ट टाइम पीरियड में कैसे उन्होंने इतने ज़्यादा पैसा कमा लिया। दोस्तों, उस दिन से आज तक एंड्रयू कार्लसन का मिस्ट्री अनसॉल्व्ड ही रह गया है। बहुत से लोग उन्हें एक टाइम ट्रैवलर ही मानते हैं, लेकिन कुछ लोग उनको फ्रॉड या फिर इसे एक बनी बनाई कहानी भी मानते हैं। और एक टाइम ट्रैवल डॉक्यूमेंट के केस से हमें मिलता है चार्लोट एनी मोबली एंड एलियानोर जॉर्डन नाम के दो ब्रिटिश महिलाओं के कहानी से, जो क्लेम करती हैं कि वो पहली बार टाइम ट्रैवल करते हैं 1909 में क्वीन मैरी एंटोनिटी के कोर्ट में। उनके स्टोरी के अनुसार वो दोनों वर्सेलिस पैलेस को एक्सप्लोर कर रहे थे, देन सडनली वो दोनों अपने आप को ईयर 1789 में पाते हैं। उनको उस साल का एग्जैक्ट पता चलता है उस समय में वहाँ पर होने वाले इवेंट्स एंड वहाँ के लोगों को देख के, जो फ्रेंच रिवोल्यूशन के टाइम पर होता था। मोबलिया जोर्डन की ये स्टोरी ज़्यादातर लोग एक फैंटेसी स्टोरी मानते हैं या फिर कोई भी उन दोनों के विचारों से सहमत नहीं होता है, लेकिन दोस्तों ये घटना आज भी बहुत से लोगों के थॉट प्रोसेस को हिला देता है। देखिए दोस्तों, ये एंड्रयू कार्लसन, चार्लोट एनी मोबली एंड एलियानोर जॉर्डन के केसेस बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सियल एंड अनरियलिस्टिक है, लेकिन इन स्टोरी से हमें टाइम ट्रैवल एंड टाइम ट्रैवलर जैसे हार्ट थ्रोबिंग टॉपिक्स मिलते हैं। अब ये स्टोरी सच्ची हो या फिर झूठी। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट करना मत भूलना। आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि हमारे नए वीडियो अपलोडिंग का सबसे पहला नोटिफिकेशन आप ही के पास जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।